हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी जो है क्या होते हैं, मैंने आपको शॉर्ट में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जो शॉर्ट एंड क्रिस्प कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो वीडियोज़ हैं वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वो देखिएगा एक बार। बहुत छोटे में बताया था, उसमें आज हम बात करेंगे सांख्य फिलोसफी की, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन जो है UGC नेट में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो हमें इनसे रिलेटेड चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि सांख्य फिलोसफी क्या है कि जिसने लिखी है जो कि है कपिल मुनि, तो वो जो कपिल सेज हैं, कपिल मुनि हैं, उन्होंने सांख्य फिलोसफी को लिखा। अब उनकी जो थिंकिंग थी संसार को लेके, चीजों को लेके, सो वो उन्होंने इसके अंदर लिख दी। अब उसको ऑब्वियसली उनकी थिंकिंग है ना, तो हमें या तो समझ आ जाए या हम याद कर ले, दो चीजें होती हैं, तो हम समझ के याद करने की कोशिश करेंगे। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल्स ऑफ फिलोसफी इसको माना जाता है। तो ओल्डेस्ट स्कूल कौन सा होगा? सांख्य फिलोसफी का होगा। कपिल मुनि ने इसको लिखा था, तो जो कपिल मुनि थे उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी, सांख्य सूत्र, ठीक है। सो अब इसको सांख्य भी, जैसे मैंने यहाँ पे आपको अलग अलग स्पेलिंग मिल जाएगी, यहाँ पे SANKHY लिख रखा है, यहाँ पे SAM है, सो वो अलग अलग आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। और मेजरली जो है SA, ये एग्जैक्ट जो है वो इस तरीके से इसको लिखा जाता है, मेजर जगह पे ये है, ठीक है। नॉर्मल जो बुक्स आपको मिलेंगी उनमें यहाँ पे आपको सांख्य भी लिखा मिल जाएगा, ठीक है जी। सो ये ध्यान रखिएगा कि प्रोनाउंस इसको सांख्य फिलोसफी ही करना है। तो जो सांख्य सूत्र है वो किसने लिखा है? कपिल मुनि ने लिखा है, और उसी को हम आज की डेट में क्या बोलते हैं? सांख्य फिलोसफी बोलते हैं। अब ये जो सांख्य सूत्र, जो इनका स्क्रिप्ट है, इसको और लोगों ने भी इंटरप्रेट किया, और लोगों ने उसको पढ़ के अपनी लैंग्वेज में लिखने का ट्राई किया कि हाँ ये है। सो वो आपको क्या याद रखना है, ईश्वर कृष्ण ने एक लिखा सांख्य करिका। सो ये नाम आप याद रखेंगे कि सांख्य, क्योंकि ये सबसे फेमस है सांख्य सूत्र के बाद। अगर इंटरप्रिटेशंस में हम देखें तो ये सबसे फेमस है कि सांख्य करिका जो है वो किसने लिखी? ईश्वर कृष्णा ने, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। दो व्यूज होते हैं इसके ओरिजिन से रिलेटेड कि सांख्य जो फिलोसफी है उसका ओरिजिन या उसका मतलब क्या है। सो उनमें एक तो ये है कि सांख्य मतलब संख्या, जो हम मैथ्स में यूज करते हैं नंबर, ठीक है, तो नंबर और एज वेल एज नॉलेज, सो ये मतलब लगा के हम इसका चलते हैं कि ये वर्ड सांख्य, संख्या वर्ड से आया है। दूसरा है कि परफेक्ट नॉलेज, कि सांख्य का फिलोसफी में सांख्य का मतलब क्या है कि परफेक्ट नॉलेज अबाउट रियलिटी। सो ये दो मीनिंग जो है एक तरीके से हम लेके चलते हैं, जो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें सो उपनिषद के ऊपर बेस्ड इसको माना जाता है। उपनिषद क्या है? जो एंड में लिखे जाते हैं, वेदास के एंड में। सो दो स्कूल ऑफ फिलोसफी उपनिषद के बेस पे मानी जाती हैं, एक है सांख्य, एक है वेदा। सांख्य में रियलिस्टिक चीजों के ऊपर हम फोकस करते हैं और वेदांता में आइडियलिस्टिक चीजों के ऊपर फोकस रहता है। एक और चीज बोली जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि योग फिलोसफी भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो योग फिलोसफी जो है वो और सांख्य फिलोसफी, ये दोनों एक दूसरे के, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, या कंबाइंड फॉर्म में देखे जाते हैं, यूज किए जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो गीता में क्या लिखा गया है कि जो योग है और सांख्य है वो एक दूसरे के प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल साइड है। यानी कि सांख्य फिलोसफी में हम जो चीजें पढ़ेंगे थ्योरेटिकली, वही चीज योग फिलोसफी में क्या की गई है? अप्लाई की गई, यानी एप्लीकेशन की तरह वहां पे यूज किया गया है, ठीक है। ये किसमें लिखा गया था? ये गीता में लिखा गया था। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल साइड किसको बोला गया और कहां बोला गया है। तो ये गीता में बोला गया है। सांख्य जो है वो थ्योरेटिकल साइड है और योग जो है वो प्रैक्टिकल साइड है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको थियरी ऑफ कॉजेशन करवाया था उन्हीं शॉर्ट वीडियोस में से। तो सत्कर्यवाद मैंने आपको वहां पे बताया था कि थियरी ऑफ कॉजेशन में दो होते हैं, सत्कर्यवाद असत्कार्यवाद। तो जो सत्कार्यवाद है उसको कौन एडवोकेट करता है? सांख्य फिलोसफी। इसको थियरी ऑफ सांख्य, थियरी ऑफ कॉजेशन भी बोला जाता है। तो सत्कार्यवाद क्या था कि इफेक्ट में जो है एग्जिस्ट, इफेक्ट जो है वो कॉज में एग्जिस्ट होना ऑलरेडी। अगर डिटेल में देखना है तो एक बार वहां जाके देख लीजिएगा। उसके बाद सांख्य फिलोसफी क्या है? इसको ड्यूअलिस्टिक रियलिज्म बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये दो रियलिटीज की बात करती है, कि दो अल्टीमेट रियलिटीज होती हैं, एक है पुरुष और एक है प्रकृति। तो पुरुष और प्रकृति से मिलके फिर बाकी इवोल्यूशन होगा, बाकी चीजें बनेंगी। तो प्रकृति जो है वो क्या है? दोनों ही इटर्नल है, लेकिन फर्क क्या है? प्रकृति अनकॉन्शियस है, एक्टिव है।
पुरुष क्या है, प्योरली कॉन्शियस है और इनएक्टिव है। अब ये इनएक्टिव है तो ये पुरुष जो है वो अकेला कोई भी चीज को क्या नहीं कर सकता, इवॉल्व नहीं कर सकता, यानी अकेले पुरुष से कोई भी चीज बन नहीं सकती। अब अगर जैसे दूध से दही बनती है कर्ड, सो मिल्क क्या हो गया, एक तरीके से कॉज हो गया, यानी कि ये पुरुष जो है वो क्या नहीं कर सकता, इनएक्टिव है, इस वजह से किसी भी इफेक्ट का कारण नहीं हो सकता, तो ये कॉज भी नहीं हो सकता और ये किसी चीज से बना भी नहीं है क्योंकि ये तो अल्टीमेट रियलिटी है। सो पुरुष क्या है, ना वो कारण है ना वो इफेक्ट है, सो कॉज और इफेक्ट में से पुरुष जो है वो कुछ भी नहीं होगा। प्रकृति क्या है, वो एक्टिव है, मटेरियल है और अल्टीमेट रियलिटी, मतलब हमने बताया था ना कि दूध कहां से आया, थियरी ऑफ कॉजेशन में पढ़ा था, तो दूध कहां से आया ये भी तो एक क्वेश्चन है ना, कि चलिए दही जो है वो तो दूध से आ गई, हमने मान लिया कि दही जो है क्या है, इफेक्ट है, और मिल्क क्या है, कॉज है, लेकिन मिल्क का कॉज क्या है, मिल्क कहां से आया, सो मिल्क कहां से आया, प्रकृति से। सांख्य फिलोसफी में जहां भी आप अटकेंगे कि इसका कारण क्या है, तो अल्टीमेट कारण क्या है, प्रकृति है, सो वो इटर्नल होगा, अनकॉन्शियस होगा और एक्टिव होगा, सो अल्टीमेट कॉज है प्रकृति, यानी इफेक्ट नहीं है वो, ठीक है। प्रकृति किसी से भी नहीं आया, प्रकृति ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, सो प्रकृति क्या हो गया, ओनली इफेक्ट हो गया, सॉरी ओनली कॉज हो गया, क्योंकि वो कारण है। सो ये आपको यह ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि पुरुष क्या है, नीदर वो कॉज है ना ही वो क्या है, इफेक्ट है, प्रकृति जो है वो सिर्फ कॉज है, यानी वो इफेक्ट नहीं है। अब जो प्रकृति है उसके तीन गुण होते हैं, थ्री गुनाज ऑफ प्रकृति, सो सत्व, रजस और तमस, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। अब ये जो गुण है, इन गुण के क्या होते हैं पर्टिकुलर, आप देखेंगे कि इनमें कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक होगी। जैसे सत्व है वो क्या है, लाइट है, इल्यूमिनेट है, मतलब लाइट से, लाइटनेस मतलब वेट के चक्कर में भी लाइटनेस हल्का, और इल्यूमिनेशन मतलब कि आप इल्यूमिनेट कर रहे हैं, यानी लाइट वाला जो लाइट, डार्क और लाइट में से लाइट, ठीक है। जॉय, फाइननेस, पोज, तो ये क्या है, सत्व की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इसका कलर क्या रहेगा, व्हाइट कलर रहेगा, जो आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही रजस क्या है, डायनेमिक जो चीजें होती हैं वो, एक्टिविटी, एक्साइटेशन या पेन, ये वर्ड आप याद रखेंगे, ये रजस से रिलेट करते हैं, जो गुण है ना उसमें ये चीजें आएंगी, और इसका कलर क्या होता है, रेड कलर होता है। तमस का क्या है, ब्लैक कलर होगा, जैसे यहाँ पे सत्व, सत्व का ऑपोजिट हो गया ना ये, तो सत्व का अगर ऑपोजिट है तो वहां पे लाइट था, इल्यूमिनेशन था, यहाँ पे डार्क होगा, लेजीनेस होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, हैवीनेस होगा, अगर वहां लाइट है तो यहाँ हैवी होगा, वहां इल्यूमिनेशन है तो यहाँ डार्क होगा, ठीक है। सो वो चीजें आप, ये चीज आप याद रखेंगे कि सत्व का ऑपोजिट कौन है, तमस है, वो अगर व्हाइट है तो ये क्या है, ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है। सो ये कलर याद रखेंगे और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखेंगे। अब ये जो तीन गुण हैं, ये सभी ऑब्जेक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, संसार में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें ये तीन गुण होंगे, लेकिन सिर्फ अकेले नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि किसी में सिर्फ सत्व हो और तमस का या रजस का पार्ट ना हो, कम ज्यादा हो सकते हैं कि डोमिनेट कौन कर रहा है, तभी तो अच्छाई और बुराई एग्जिस्ट करती है ना, कि एक अगर अच्छी चीजें ज्यादा है, अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा है, सो अच्छाई ज्यादा है, अगर बुरी कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा है तो बुराई ज्यादा है, सो वो डोमिनेशन के ऊपर हो जाता है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स कम और ज्यादा है, ठीक है। तो कोई भी अलोन एग्जिस्ट नहीं करेगा, हर एक गुण जो है वो बाकी दो को डोमिनेट करने का ट्राई करेगा, और जहां पे वो डोमिनेशन की स्टेज है, वो जो कि अगर मान लीजिए ये डोमिनेट कर रहा है, सत्व डोमिनेट कर रहा है बाकी दो पे, तो उस डोमिनेशन की स्टेज का क्या नाम होगा या क्या होगा, वो एप्लीकेशन पार्ट हमें योग फिलोसफी में देखने को मिलेगा। सो दो टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, जब आप डोमिनेट करते हैं या एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म करते हैं जब ये गुण, तो उसमें दो तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, एक है स्वरूप और एक है विरूप। अब ये स्वरूप और विरूप क्या होते हैं, स्वरूप मतलब सेम, ठीक है, यानी रजस रजस में, तमस तमस में, और जो तीसरा था हमारा सत्व सत्व में, ये ट्रांसफॉर्म होंगे जो भी गुण है, कि लाइटनेस इल्यूमिनेशन में, ठीक है, सो वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे, तो वो स्वरूप हो गया, यानी डिसोल्यूशन क्या है, एक तरीके से होमोजेनस है, ठीक है, सेम में, इसीलिए इसको स्वरूप परिणाम भी बोला जाता है। विरूप में क्या होगा, जब हेट्रोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन हो, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने का ट्राई करे, तो जहां डोमिनेशन की बात होगी वो विरूप ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां पे सेम में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, यानी सत्व सत्व में, तमस तमस में, रजस रजस में, ये क्वालिटीज पड़ी है ना इनके अंदर, तो वो जो गुण है वो एक खुद का खुद में ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो क्या होगा, स्वरूप ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये दो वर्ड भी आप याद रखेंगे।
ये है इवोल्यूशन, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप समझ पाएंगे तभी आप याद कर पाएंगे, नहीं तो आपको फिर रटना पड़ेगा। सो अगर सांख्य फिलोसफी की इवोल्यूशन की बात करें, सो 25 मेटाफिजिकल कैटेगरीज जो है वो हमें देखने को मिलेंगी। अब वो 25 कैटेगरीज क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, हमने दो चीजें पढ़ी, अल्टीमेट रियालिटीज, पुरुष और प्रकृति, कि पुरुष और प्रकृति से मिलके आगे का इवोल्यूशन होगा। पुरुष हमने पढ़ लिया कि वो ना कॉज है ना ही इफेक्ट है। प्रकृति हमने पढ़ा कि अल्टीमेट कॉज क्या है, प्रकृति है, कि हर चीज कहां से आई है, प्रकृति से आई है। ठीक है, अब ये दोनों मिलके, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके पहला प्रोडक्ट बनेगा जो कि है महत। महत जो है क्या हो गया, एक तरीके से इसकी कैरेक्टरिस्टिक जब हम पढ़ेंगे तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट है इवोल्यूशन का। ठीक है, महत के बाद क्या आ गया, अहंकार। महत से, अगर महत है वहां पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा इसका, बुद्धि। महत को बुद्धि या इंटेलेक्ट भी बोलेंगे हम। सो महत से क्या बना, अहंकार। यानी अगर आपके पास इंटेलेक्ट है तो कहीं ना कहीं ईगो भी आप में आएगा। सो वो क्या हो गया, अहंकार। तो अब आप देखिए कि प्रकृति से क्या बना, महत। यानी प्रकृति से, मतलब पुरुष और प्रकृति का इफेक्ट क्या है हमारे पास, महत है। सो महत क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। लेकिन महत से अहंकार निकल के आ रहा है तो महत क्या हो गया, कारण भी हो गया। सो इफेक्ट और कॉज दोनों है महत। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अहंकार क्या है, महत से निकला है, यानी कि महत के बाद का प्रोडक्ट, यानी सेकंड प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन है अहंकार। सो अहंकार भी क्या हो गया, एक तरीके से इफेक्ट हो गया। और अहंकार से फिर फर्दर चीजें निकलेंगी तो ये भी क्या हो गया, कॉज भी हो गया। सो अहंकार जो है, एक सत्व अहंकार, एक रजस अहंकार, एक तमस अहंकार, यानी जिसमें वो डोमिनेट करे चीज। तो सत्व में हम चीजें पढ़ेंगे, एक है मनस। तो पहला हमारे पास मेटाफिजिकल कैटेगरी, पहली पुरुष, दूसरी प्रकृति, तीसरी महत, उन दोनों के इवोल्यूशन से। नेक्स्ट है इवोल्यूशन कैटेगरी में अहंकार, अहंकार के बाद जो है मनस, मन। ठीक है, मन के बाद क्या हुआ, ये जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, अभी आपको ज्ञानेन्द्रियां ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, ज्ञानेन्द्रियां भी लिखा मिल जाएगा, या इंद्रियाज ऑफ कॉग्निशन। सो वो सेंस ऑर्गन्स बेसिकली पांच के पांच इसमें इन्वॉल्व होंगे। सो पांच चीजें हमने पढ़ी, पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार और मनस, ये पांच हो गई। अब ज्ञानेन्द्रियां भी पांच होती हैं। सो पांच ये हो गई और पांच ज्ञानेन्द्रियां हो गई, यानी टोटल अभी तक हमने 10 मेटाफिजिकल कैटेगरी जो है वो पढ़ ली। ठीक है, अब कर्मेंद्रियां, यानी ज्ञान के बाद एक होता है कर्मेंद्रियां, कि आप कर्म जो करते हैं। सो उस कर्म करने के ऑर्गन में क्या क्या आ गए, माउथ आ गया, हैंड, फीट, ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन जिसको हम एनस बोलते हैं, और ऑर्गन ऑफ जनरेशन यानी रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स ऑर्गन। सो ये पांच यहां पे कर्मेंद्रियां हो गई, यानी एक्शन जिनसे आप कर रहे हैं वो इंद्रियां। सो 10 के बाद पांच ये हो गई, तो ये 15 हो गई। अब ये तो क्या थी, सत्व अहंकार से निकल के आई थी, फिर अहंकार से ही फर्दर निकल के आ रही हैं सटल एसेंस जिसको हम तंत्रास भी बोलते हैं, और ग्रोस बॉडीज जिसको महाभूतास भी बोलते हैं। तो जो सटल एसेंस होंगे वो क्या है, साउंड, टच, फोम, रूप जिसको बोल देते हैं, टेस्ट, रस, स्मेल, गंध। ठीक है, सो ये पांच भी आप याद रखेंगे, ये क्या है, सटल एसेंसेस हैं। हम मानते हैं कि इन तंत्राल से ही क्या निकल के आया है हमारे पास, महाभूताज निकल के आए हैं। सो ये अहंकार से निकल के आए सटल एसेंसेस, यानी ये इफेक्ट हो गए अहंकार का, और सटल एसेंसेस से ये महाभूताज निकल के आए, इवॉल्व हुए। सो ये कॉज भी हो गए। ठीक है, सो कॉज और इफेक्ट में हम क्या पढ़ रहे थे, हमने महत पढ़ा था, अहंकार पढ़ा था, और उसके बाद क्या है, ये सटल एसेंसेस हैं कॉज और इफेक्ट में। ठीक है, अब जो बाकी बच गए, यानी ग्रोस बॉडीज ये लास्ट हो गई, ये जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हो गई, और मन हो गया, ये क्या है, ये इफेक्ट है। सो इफेक्ट ओनली में ये चीजें आएंगी। ठीक है जी, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देती हूं, जो कि क्या होगा, ये होगा कॉज ओनली में क्या है, प्रकृति है, कारण, हर चीज का कारण प्रकृति है। ये जो ना ही कॉज है ना ही इफेक्ट है वो क्या है, पुरुष है। अल्टीमेट रियलिटी दोनों होते हैं, इटर्नल होते हैं, एक एक्टिव होगा एक इनएक्टिव होगा। ठीक है, इफेक्ट ओनली हम बोल रहे हैं, सिर्फ इफेक्ट है। सो इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा, 5 सेंस ऑर्गन्स पढ़े, 5 मोटर ऑर्गन्स पढ़े, 5 ग्रोस बॉडीज पढ़ी, जो लास्ट में हमने अर्थ और ये जो जलवायु वाला पढ़ा, और मनस हो गया। ये क्या है, सिर्फ इफेक्ट है। और कारण और इफेक्ट क्या है, क्योंकि महत कारण भी है किसका, अहंकार के प्रोड्यूस होने का, और इफेक्ट है प्रकृति का क्योंकि प्रकृति से बना है, और अहंकार से फिर 5 सटल एसेंसेस हैं।
जो कि अहंकार से बाकी चीजें भी हैं, लेकिन ये क्या है, वो इफेक्ट हो जाएंगे सिर्फ। सो ये कॉज और इफेक्ट हो गए। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी करवाया था। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है कि ये जो चीजें हमने पढ़ी हैं, पुरुष, प्रकृति, मनस, महत, ये है क्या, इनका मतलब क्या, यानी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, तो वो भी पता होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। सो पुरुष और सेल्फ, मतलब मैंने पहले इवोल्यूशन इंक्लूड किया था, लेकिन अब कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने कब इंक्लूड की, जब मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक्स में से भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमें ये भी पता होनी चाहिए। सो पुरुष मतलब सेल्फ, इटर्नल रियलिटी है, ये अल्टीमेट रियलिटी है, ना ये ऑब्जेक्ट है, ना सब्सटेंस है, ना ही ये बॉडी है, ना माइंड है, ना ईगो है, ना इंटेलेक्ट है। क्या है ये सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस है, ठीक है, बेसिस है, हर नॉलेज का बेस है और सुप्रीम है सबसे। ये कोई इसमें गुण नहीं होता, कोई नेगेटिविटी नहीं होती, इनएक्टिव होता है ये, सॉलिटरी विटनेस होता है, ऑब्जर्वर नोअर, मतलब इसको ही पता है सब कुछ, ठीक है। नेचर ऑफ इल्यूमिनेशन, इट्स ऑब्जेक्ट चेंजेस, मतलब इसके ऑब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं बट पुरुष अपने आप में कभी चेंज नहीं होगा। सेल्फ एरोगेंस, एंगर, एवर्जन, अटैचमेंट, इन सबसे ऊपर होता है ये, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ये प्योर कॉन्शियसनेस है। नेक्स्ट है प्रकृति। प्रकृति क्या है, सिर्फ कॉज है, यानी अल्टीमेट कारण हर चीज का क्या है, प्रकृति। जब हमें किसी चीज का आंसर ना मिले कि ये कहां से आया, ठीक है, तो वो कहां से आया, वो प्रकृति से आया। जैसे झरने हैं, पानी है, नदियां हैं, हम क्या बोल देते हैं, प्रकृति है ये, ठीक है। तो सांख्य फिलोसफी के अकॉर्डिंग जहां कुछ भी पता ना चले, अल्टीमेट कारण क्या है उसका, प्रकृति है। तो प्रकृति अकेली जो है वो कुछ क्रिएट नहीं कर सकती, वो मटीरियल है। पुरुष अकेला कुछ क्रिएट नहीं कर सकता क्योंकि वो क्या है, इनएक्टिव है। सो प्रकृति और पुरुष मिलके क्या बनाएंगे, नेक्स्ट इवोल्यूशन का प्रोडक्ट बनाएंगे। सो कोई रियल कॉन्टेक्ट इनमें होता नहीं है, लेकिन जब रियल कॉन्टेक्ट या नियर क्लोजनेस इनमें आने लगे, तब क्या हो जाता है वो डिसोल्यूशन होगा। डिसोल्यूशन मैंने दो तरीके का बताया था, स्वरूप और विरूप। तो जब ये मिलेंगे या नियर आएंगे, तब वो डोमिनेशन, जो प्रकृति के गुण है, वो डोमिनेट करेंगे एक दूसरे के ऊपर। इन दोनों को मिला के एक प्रोडक्ट बनेगा महत, पहला प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन। कॉस्मिक होता है ये नेचर में, ठीक है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इसका देखेंगे तो इंटेलेक्ट या बुद्धि इसको बोला जाता है। अब बुद्धि का मतलब कॉन्शियसनेस नहीं है, क्योंकि प्योर कॉन्शियसनेस हमने पुरुष पढ़ा है, ठीक है। सो बुद्धि का, क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि बुद्धि क्या है, मटीरियल है। बुद्धि किससे निकला है, इससे, दोनों के प्रोडक्ट से निकला है ना, और ये जो प्रकृति है वो तो ऑलरेडी मटीरियल है हमारे पास। सो कॉन्शियसनेस क्या होती है, इटर्नल होती है, बुद्धि क्या है, मटीरियल है, इसलिए बुद्धि को हम कॉन्शियसनेस नहीं बोल सकते। और प्योर कॉन्शियसनेस क्या है, पुरुष है। सो बुद्धि इज टू टेक डिसीजन विच इज अ पार्ट ऑफ मेमोरी एक्ट। तो बुद्धि डिसीजन मेकिंग का काम करेगी, डिस्टिंग्विश करेगी नॉन और नोअर में, आइडेंटिफाई करेगी आत्मा में, ठीक है, आत्मन जो आपका होता है, विच कि वो बाकी जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, क्वालिटीज हैं, उनसे कैसे डिफर करता है। सत्व आप याद रखेंगे, जो हमने तीन गुणों की बात की थी ना, उन तीन गुणों में से सत्व यहां पे थोड़ा सा डोमिनेट करेगा, जहां पे महत होगा, ठीक है। फिर आता है अहंकार, नेक्स्ट प्रोडक्ट, सेकंड प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन। सो हर एक इंडिविजुअल के पास जब बुद्धि आ गई, सो बुद्धि के बाद बुद्धि का प्रैक्टिकल एलिमेंट एक तरीके से हम अहंकार मानते हैं, कि जब आपको डिसीजन मेकिंग आ गई, तो बुद्धि आ गई, तो आपके पास अहंकार भी होगा। तो बुद्धि और अहंकार हर इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सो बेसिकली अहंकार क्या है, नथिंग बट रिगार्डेड एज ईगो। सो ये जो प्रोडक्ट हो गया, इसमें तीनों के तीनों जो गुण है प्रकृति के, वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। डोमिनेशन अलग अलग हो सकता है, बट प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मनस, मन, पांचवा एलिमेंट जो था। तो सांख्य फिलोसफी में मन यानी माइंड, ये भी ना इटर्नल है ना एटॉमिक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखनी पड़ेगी। ये पार्ट से बना हुआ है, तो ये जो बाकी सेंस ऑर्गन्स हैं उनके साथ कॉन्टेक्ट में हो सकता है। एनालाइज करेगा ये चीजों को, सिंथेसाइज करेगा जो सेंस डाटा है, किसमें, जो हमारे पास सेंसेस से डाटा आया, यानी हमने टच करके देखा या टेस्ट करके देखा, सो वो डाटा को इंटरप्रेट करने का काम ये मन करेगा, माइंड करेगा, ठीक है। तो एक इंटरनल ऑर्गन है ये, सो ये अवेयर होता है कि पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या हुआ है, और फ्यूचर में क्या होने के चांसेस है। फिर आती है ज्ञानेंद्रियां। अब ज्ञानेंद्रियां मतलब फाइव सेंस ऑर्गन्स, यानी नोज, ईयर, आईज, स्किन और टंग। अब ये सेंस ऑर्गन्स क्या है, ये ऑब्वियसली एक इम्परसेप्टेबल एनर्जी होती है, फोर्स होते हैं, ये क्या एग्जिस्ट करते हैं, इनसे हम पता लगा सकते हैं। मतलब सेंस जो है वो ईयर्स नहीं है, सेंस क्या है, उनकी पावर ऑफ हियरिंग है। टंग जो है वो सेंस नहीं है, टंग की जो पावर है टेस्ट करने की,
वो क्या है, हमारे पास सेंस है, वो सेंस है एक्चुअल में. तो सेंसेस जो है वो परसेप्टिबल नहीं है, बट हम उनका अनुमान लगा सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं उनको, ठीक है. सो दे आर इन्फॉर्म्ड फ्रॉम द फंक्शंस दैट दे परफॉर्म. सो जो ये परफॉर्म करेंगे फंक्शन, कि टंग का काम है टेस्ट करना, स्किन का काम है स्पर्श को बताना, टच को बताना, तो जो इनका काम है उससे इनके उनके जो फंक्शन है इनका, उनसे हमें इनका पता चलता है. तो जो ये फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या नॉलेज प्रोड्यूस करेंगे, टच की, कलर यानी ये आईज जो मतलब हमें पता चलेगा ना, स्मेल, हियरिंग सुनना, टेस्ट. ऑल दीज आर बोर्न बिकॉज ऑफ पुरुष, दे आर रिजल्ट ऑफ ईगो एंड अहंकार. सो अहंकार से ही हमारे मनस, ज्ञानेंद्री और कर्मेंद्रियां निकली हैं, ये मैंने आपको बताया था. फिर आ गया कर्मेंद्रियां यानी काम, पांच जो है, माउथ, ईयर, फीट, एनस और सेक्स ऑर्गन. सेक्स ऑर्गन किस लिए, कि रिप्रोडक्शन के लिए, एनस किस लिए, एक्सक्रीशन के लिए, फीट किस लिए, मूवमेंट के लिए, सुनने के लिए कान और स्पीच, ठीक है. ईयर्स जो है वो रिपीट हो सकते हैं यहाँ पे, तो वो देख लीजिएगा. फिर है कॉज, क्या है कॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ दीज ऑर्गन्स, इज डिजायर ऑफ पुरुष फॉर हिज एक्सपीरियंस. सो कारण क्या है यहाँ पे, पुरुष की डिजायर है, पुरुष नहीं है कारण किसी भी चीज का. पुरुष की जो डिजायर है, सेल्फ की जो डिजायर है एक्सपीरियंस करने की, वो कर्मेंद्रियां हैं, ठीक है. नेक्स्ट आ गया तंत्रास, फाइव पांच तंत्रास हम देखते हैं, साउंड, टच, फोम, टेस्ट और स्मेल, ठीक है. ये सारे के सारे सटल एसेंसेस भी इनको बोला जाता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. इनको भी परसीव नहीं करते, हम इन्फर करते हैं जो इनका काम है उससे. अब सांख्य फिलोसफी के अकॉर्डिंग पांच जो एलिमेंट हैं, वो जो अर्थ, जो धरती, पानी, हवा, वायु, वो है ना, वो सारे के सारे ओरिजिन कहां से हुए हैं, इन तंत्रास से, ठीक है जी. तो ये क्या हो गए, कॉज भी हो गए, इफेक्ट भी हो गए. फिर आइए महाभूतास, जो ये पांच ग्रोस बॉडीज या कॉस्मोस इनको बोल देते हैं, तो वो क्या है, एयर, फायर यानी वायु, अग्नि, अक्ष, इथर, वाटर, जल, पृथ्वी, अर्थ. सो ये पांच महाभूतास हो गए. सो ये पांचों के पांच, मतलब ये इवोल्यूशन आपको समझ आया होगा, मैं मान के चल रही हूँ. अगर नहीं समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे. एपिस्टेमोलॉजी क्या है अब सांख्य फिलोसफी की, यानी एपिस्टेमोलॉजी हमने पढ़ा था स्टडी ऑफ नॉलेज. तो स्टडी ऑफ नॉलेज मतलब कि नॉलेज कहां से आया, अब सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है. तो तीन इंडिपेंडेंट सोर्स की ये बात करते हैं, प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन, कि आपने कुछ देखा या कोई मतलब आपका खुद का एक्सपीरियंस है, वो प्रमाण बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, वही वाला है ये. फिर है इन्फ्रेंस यानी अनुमान लगा रहे हैं आप. वर्बल टेस्टिमनी की शब्द है किसी के, मतलब दो तरीके के हो सकते हैं, ये भी हम पढ़ लेंगे अभी. सो परसेप्शन क्या है, एक वैलिड फॉर्म ऑफ नॉलेज है, जब आप किसी चीज के कॉन्टेक्ट में आते हैं, यानी सेंस ऑर्गन से जो नॉलेज आपको मिली वो परसेप्शन है, प्रमाण है, तभी तो आप एक परसेप्शन बनाएंगे ना उस चीज के लिए. सो दो टाइप का हो सकता है ये, सविकल्प और निर्विकल्प. तो सविकल्प में क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेटरी परसेप्शन, और निर्विकल्प में आ गया इनडिस्क्रिमिनेटरी या इनडिस्क्रिमिनेट परसेप्शन. तो ये याद रखेंगे आप. ऐसे ही इन्फ्रेंस मतलब आफ्टर नॉलेज, यानी कि आपने जैसे हम केमिस्ट्री में या साइंस में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर हम अनुमान लगाते हैं कि इस टेस्ट से हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये चीज प्रेजेंट होगी, ठीक है. ऐसे ही जब डॉक्टर के पास जाएंगे, वो टेस्ट करेंगे, फिर वो अनुमान लगाएंगे, तो वो जो अनुमान है ना वो इन्फ्रेंस है, यानी आफ्टर नॉलेज. सो ये दो तरीके का मानते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव. अफर्मेटिव में यूनिवर्सल अफर्मेशन होगी कि पॉजिटिव चीजें हैं, वित बोलते हैं इसको, और अवित बोल देंगे इसको. सो अवित में क्या है, नेगेटिव प्रपोजिशंस होंगे. ये हम पेपर वन के टाइम पे भी पढ़ते हैं, ठीक है, लॉजिक में, इंडियन लॉजिक जो आता है. शब्द क्या है, टेस्टिमनी यानी बोल दिया, तो ऑर्डिनरी मतलब लौकिक शब्द. अगर अलौकिक बोल रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना अलौकिक है ये, तो वो अलौकिक मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. जैसे हम क्या बोलते हैं कि वेदास जो है वो ब्रह्मा के ही शब्द हैं, सो वो भगवान ने बोल दिया या ब्रह्मा ने बोल दिया, तो वो अलौकिक है, मतलब आप उसको बदल नहीं सकते, वो अपने आप में ही क्या है, एक नॉलेज है, सोर्स का नॉलेज है, ठीक है. फंडामेंटल क्या रहेगा एजुकेशन का, सो ये चीज आप याद रखेंगे कि जब सांख्य फिलोसफी पढ़ते हैं, तो वो इनर सेल्फ जो अंतःकरण है, वो क्या मानते हैं कि वो तीन चीजों से मिलकर बना है, तीन एलिमेंट से. वो क्या क्या है, एक है माइंड, एक है अहंकार ईगो, और एक है बुद्धि इंटेलेक्ट, जिसको हम महत्व बोल रहे थे, ठीक है. सो इन तीन चीजों से मिलके इनर सेल्फ बना है. लिब्रेशन क्या होगा, मुक्ति, जिससे जो अल्टीमेट पर्पस होगा लाइफ का वो है लिब्रेशन, कि हमें मुक्त होना है बंधनों से, सारे बॉन्डेज जो है उनसे.
ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा एजुकेशन का, कि एक ऐसा इंडिविजुअल क्रिएट करना जो कि अपने अंदर जो परफेक्शन है उसको बाहर लाने में मतलब कैपेबल हो, ठीक है। सो वो इंडिविजुअल को इतना कैपेबल बनाना है कि जो परफेक्शन उसके अंदर एग्जिस्ट करती है वो वहां पे निकाल के लाए उसको, जो पोटेंशियल है उसका। अब सांख्य फिलोसफी बिलीव करती है कि जो हेल्दी और फोकस्ड इंडिविजुअल होगा उसी को सेल्वेशन मिलेगा, यानी लिबरेशन मिलेगा, ठीक है। टीचर जो है वो एक फैसिलिटेटर की तरह है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात इसमें की गई है। डिसिप्लिन जो है वो हाई डिग्री का होगा लेकिन सेल्फ इम्पोज्ड होगा, यानी आप खुद के ऊपर ही डिसिप्लिन इम्पोज कर रहे हैं। डिडेंट गिव इम्पोर्टेंस टू रिलीजियस एजुकेशन, लेकिन फोकस किस पे है इसका, मॉरल एजुकेशन पे ज्यादा फोकस है। टीचिंग मेथड्स की बात करें तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, यानी खुद करके सीखना, और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की यहाँ पे बात हम इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। अब जो बॉन्डेज है, जो दुख है संसार के, उनसे लिबरेट कैसे होंगे आप? सो वो मुक्ति जो है, लिबरेशन जो है, वो दो तरीके का बताया इन्होंने। एक होगा जीवन मुक्ति और एक है विधेय मुक्ति, जिसको कैवल्य भी बोलते हैं। जीवन मुक्ति मतलब आप जीवन में रहते हुए भी, मतलब आप लिविंग हैं, तब आप जो वर्ल्ड की जो सफरिंग्स हैं उनसे अपने आप को अलग कर रहे हो, आपको अल्टीमेट ट्रुथ का एहसास हो जाए, यानी ये जीवन मुक्ति आप जिंदा रहते हुए कर रहे हैं। विधेय मुक्ति मतलब ये आपके मरने के बाद ही हो सकती है अचीव, ठीक है। ये अटेन, ये कंप्लीट लिबरेशन है एक तरीके से, कि सभी सफरिंग से आपका लिबरेशन हो गया और आपने जो है मोह माया त्याग के संसार त्याग दिया। एक तरीके से आप ये लगा लीजिए, जीवन मुक्ति में आपको ट्रुथ रियलाइजेशन हो गया, जब आप जिंदा है तभी आपको रियलाइज हो गई चीजें, और मरने के बाद आपका जो है वो देह का भी क्या हो गया, बिल्कुल लिबरेट हो गई वो, ठीक है। एक चीज आप याद रखेंगे कि जो सांख्य थियरी ऑफ लिबरेशन है वो क्या, एक और टर्म यूज की जाती है अपवर्ग, ठीक है, पुरुषार्थ भी बोलते हैं, या समन बोनम ऑफ लाइफ, यानी संसार से आपका क्या हो गया, मतलब आप दुखों से जो है सब कुछ हट गए हैं, आप दूर हो गए हैं उनसे, लिबरेट हो गए हैं। सो ये बॉन्डेज और लिबरेशन हो गया। सो ये कंप्लीट जो है सांख्य फिलोसफी थी। आपको हर एक चीज, हर एक वर्ड याद रखना पड़ेगा जो मैंने आपको समझाया है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं है इसमें। मैं ये नहीं बोल सकती अच्छा ये छोड़ दीजिए और ये याद कर लीजिए। सो आपको कंप्लीट जो है शुरू से आखिरी तक याद करना पड़ेगा। कुछ समझ नहीं आया है तो पूछ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है काफी। कहीं आप एग्जाम के बाद देखिएगा कि अच्छा इंपॉर्टेंट तो बोला था बट छूट गया था, तो वो छोड़ के नहीं जाने। सांख्य फिलोसफी छोड़ने का आप रिस्क नहीं लेंगे एग्जाम में। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।